कैसे मनाओगे? पैसा नहीं। फिर कैसे मनाओगे? कपड़ा लटका नहीं है, पटाखा नहीं है। हाँ बेटा बताओ। बंदा पर है परेशानी, कपड़ा लगता नहीं है। दीपावली में बना नहीं, कपड़ा नहीं है, पटाखा भी नहीं है। कैसे मना रहे हो दीपावली? कैसे मनाएंगे? तो आपने पिताजी से कहा तुम लोगों ने? कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि पैसे नहीं है। बौड़ी में सब पटाखा दगे लागा था, तब लड़का सब चिल्लाए लागा था, पापा हमू कान दो, हमू दागी, पापा हमू कान दो, हमू खेलब। सब फुलझरिया ख्याल था, कहूँ कुछ आए दागत दुगत है मेरे लड़कन चिल्लाए है, तो कहा करी कहते भैया वही सबर करो, भैया सबर कह रहो, कबू भगवान दिन करें सही। कपड़ा लत्ता का, कपड़ा लत्ता कहना जब है नहीं तो कहा करें। सतनू क्या हालात है, किस तरह से दीपावली मना रहे हैं? दीपावली कैसे मनाएं जब घर जमीन जायदाद सब घाघरा में चली गई, अब बांध पे पड़े हुए हैं, किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अब बच्चों को तो पालते हैं, बस और क्या करें, सरकार से कोई व्यवस्था नहीं है। 14 साल हो गए किसी ने हाल नहीं पूछा कि ये लोग घर कटान के हैं, घर जमीन जायदाद कुछ भी बचा नहीं है, तो कहाँ चले जाएँ, बांध पे पड़े हुए हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। दीपावली बच्चों के लिए कैसे मना रहे हैं? अब दीपावली कैसे मनाएंगे बच्चों के, जब कुछ है नहीं, अब मजदूरी करते हैं तो बच्चों का पेट पालें, एक दो वक्त की रोटी देखें कि बम पटाखे देखें उनके लिए। जहां एक ओर देश में दीपावली की धूम मची हुई है, चारों ओर पटाखों की गूंज और रोशनी ही रोशनी नजर आ रही है, लेकिन बाढ़ और कटान पीड़ितों के घरों में अंधेरा है। उनके बच्चों के पास न पहनने के लिए नए कपड़े हैं, न दागने के लिए पटाखे, और ना ही बड़े लोगों के पास पूजा करने के लिए मिठाई और लाई और अन्य सामग्रियां हैं। कटान पीड़ितों के इस दर्द पर सरकार और प्रशासन ने भी कोई कदम नहीं उठाया है। बाढ़ और कटान के हाथों अपनी घर गृहस्थी तबाह कर चुके इन बाढ़ पीड़ितों को सरकारी मदद की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल वो इन्हें मैसर नहीं है। कादरी मसूद, ETV भारत, बहराइच।